वेलकम बैक टू द फिलोसफर क्लासेस बाय रवि सिद्धार्थ सर। आज का मेरा टॉपिक है अब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो व्हाट इज अब्स्ट्रैक्ट नाउन? अ नाउन दैट कैन नाइदर बी सीन नॉर बी टच्ड बट कैन बी फेल्ट इज कॉल्ड अब्स्ट्रैक्ट नाउन। ऐसा नाउन जिसको ना तो देखा जा सके ना तो छुआ जा सके लेकिन महसूस किया जा सके, दुनिया की कौन सा नाउन हो जाएगा? अब्स्ट्रैक्ट नाउन हो जाएगा। तो अब्स्ट्रैक्ट नाउन देखिए, अब्स्ट्रैक्ट नाउन तो मैंने क्या बताया कि अ नाउन दैट कैन नाइदर बी सीन नॉर बी टच्ड बट कैन बी फेल्ट इज कॉल्ड अब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो अब्स्ट्रैक्ट नाउन का एग्जांपल देखिए, अब्स्ट्रैक्ट नाउन का एग्जांपल देखिए, ऑनेस्टी, ऑनेस्टी, ब्यूटी, लाइट और नेम ऑफ सब्जेक्ट, नेम ऑफ सब्जेक्ट, इटीसी कर दीजिए। तो कॉन्सेप्ट फर्स्ट क्या कहता है अब्स्ट्रैक्ट नाउन का, कि अब्स्ट्रैक्ट नाउन इज यूज्ड एज सिंगुलर एंड टेक सिंगुलर वर्ब। मतलब अब्स्ट्रैक्ट नाउन का प्रयोग हमेशा सिंगुलर नंबर में होता है, बस आने वाला वर्ब भी क्या लेता है? सिंगुलर लेता है। और कॉन्सेप्ट सेकंड क्या कहता है कि नॉर्मली नो आर्टिकल इज यूज्ड बिफोर अब्स्ट्रैक्ट नाउन। मतलब प्रायः या अक्सर जो है कि हम अब्स्ट्रैक्ट नाउन के पहले आर्टिकल का प्रयोग नहीं करते, मतलब ए एन और द का प्रयोग नहीं करते। तो आप लोग जो है कि हेडिंग डालिए कॉमन एरर्स इन द यूज ऑफ अब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो आप देखिए कॉमन एरर्स, एरर्स इन द यूज ऑफ, इन द यूज ऑफ अब्स्ट्रैक्ट नाउन, इन द यूज ऑफ अब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो पहला एग्जांपल देखिए, ऑनेस्टी, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। सेकंड देखिए, द ऑनेस्टी, द ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। थर्ड देखिए, अ ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। थर्ड देखिए, सॉरी फोर्थ देखिए कि ऑनेस्टी आर द बेस्ट पॉलिसी। मैंने चार एग्जांपल दिया, अब आपको राइट और रॉन्ग करना है कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग। तो मैंने पहला कॉन्सेप्ट क्या बोला कि अब्स्ट्रैक्ट नाउन इज यूज्ड एज सिंगुलर एंड टेक सिंगुलर वर्ब। मतलब अब्स्ट्रैक्ट नाउन का प्रयोग हमेशा सिंगुलर नंबर में होता है, प्लस आने वाला वर्ब भी क्या लेता है? सिंगुलर लेता है। और कॉन्सेप्ट सेकंड मैंने बोला कि नॉर्मली नो आर्टिकल इज यूज्ड बिफोर अब्स्ट्रैक्ट नाउन। मतलब अब्स्ट्रैक्ट नाउन के पहले आर्टिकल का प्रयोग नहीं करते, लगभग 95% हम आर्टिकल का प्रयोग नहीं करते, 5% कहाँ करते हैं मैं नेक्स्ट एग्जाम्पल में आप लोग को बताऊंगा। तो मैंने क्या बोला कि ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, ये हमारा राइट है जो हमेशा से आप लोग सुनते आए होंगे। तो पहला हमारा क्या है? राइट है। क्यों राइट है? मैंने क्या बोला कि ऑनेस्टी क्या होता है? सिंगुलर है, और प्लस आने वाला वर्ब भी लिया है, सिंगुलर लिया, और इसमें आर्टिकल का प्रयोग नहीं हुआ है, ए एन और द का प्रयोग नहीं हुआ, इसलिए राइट है। और द ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, इसमें आर्टिकल द लगा इसलिए रॉन्ग माना जाएगा, इसमें भी आर्टिकल ए है इसको भी रॉन्ग माना जाएगा। ऑनेस्टी आर द बेस्ट पॉलिसी इसलिए रॉन्ग है क्योंकि अब्स्ट्रैक्ट नाउन हमेशा सिंगुलर नंबर में यूज होता है, प्लस आने वाला वर्ब भी क्या लेता है? सिंगुलर लेता है। तो यहाँ आर प्लूरल है इसलिए हमारा क्या होगा? रॉन्ग माना जाएगा। तो आप लोग नोट डाउन की कर लीजिए, मैं अब नेक्स्ट एग्जाम्पल में चल रहा हूं। तो नेक्स्ट एग्जाम्पल आप देखिए, जैसे मैं कहूं पहला देखिए कि अ फिजिक्स इज अ फिजिक्स इज गुड। सेकेंड एग्जाम्पल देखिए, द फिजिक्स इज गुड। थर्ड देखिए, फिजिक्स इज गुड। फोर्थ देखिए, फिजिक्स आर गुड।
तो यहां देखिए मैंने फोर एग्जांपल दिया, तो आपको राइट और रॉन्ग करना है। तो इसमें देखिए क्या है, अ फिजिक्स इज गुड, ये हमारा क्या आगा रॉन्ग होगा। थर्ड देखिए क्या है, क्योंकि आर्टिकल लगाए। सेकंड एग्जांपल देखिए, द फिजिक्स इज गुड, ये भी रॉन्ग माना जाएगा। और फिजिक्स इज गुड ये हमारा क्या होगा राइट है, और यहाँ फिजिक्स आर गुड ये हमारा क्या है रॉन्ग है। क्यों रॉन्ग है, मैंने आपको ऑलरेडी बता चुका था कि अब्स्ट्रैक्ट नाउन का प्रयोग सिंगुलर नंबर में होता है। तो आप सब नोट डाउन कर लीजिए, यदि कोई प्रॉब्लम हो तो दोबारा पूछ सकते हैं। तो मैं चलूँ नेक्स्ट एग्जाम्पल पे। देखिए क्या है, पहला कि मैथमेटिक्स इज आरडी शर्मा इज गुड। सेकंड देखिए, द मैथमेटिक्स सॉरी एग्जाम्पल रॉन्ग है, सेकंड में फिर से मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ। तो आप देखिए क्या है, पहला एग्जाम्पल देखिए कि द मैथमेटिक्स ऑफ आर डी शर्मा इज गुड। सेकंड देखिए, मैथमेटिक्स ऑफ आर डी शर्मा इज गुड। थर्ड देखिए, द मैथमेटिक्स ऑफ आर डी शर्मा आर गुड। और फोर्थ एग्जाम्पल देखिए, अ मैथमेटिक्स ऑफ आर डी शर्मा इज गुड। तो मैंने फोर एग्जाम्पल दिया है, तो आपको राइट और रॉन्ग करना है अकॉर्डिंग टू कॉन्सेप्ट, कॉन्सेप्ट के अनुसार जो है कि आपको राइट और रॉन्ग करना है। तो आप देखिए क्या है कि द मैथमेटिक्स ऑफ आर डी शर्मा इज गुड ये हमारा क्या है रॉन्ग है। सेकेंड देखिए क्या है कि मैथमेटिक्स ऑफ आर डी शर्मा इज गुड ये हमारा करेक्ट नहीं है। आपको लगता होगा कि सर यही राइट है, बट कॉन्सेप्ट क्या कहता है मैं आपको बताता हूं कौन सा राइट है, तब इसके बाद कॉन्सेप्ट बताते हैं। द मैथमेटिक्स ऑफ आर डी शर्मा आर गुड ये हमारा राइट है, और यहाँ पर अ मैथमेटिक्स ऑफ आर डी शर्मा इज गुड ये हमारा रॉन्ग है। तो हमारा कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि जब नेम ऑफ सब्जेक्ट के साथ अगर व्यक्ति का नाम जोड़ दिया जाए तो हो जाता है प्लूरल, प्लस आने वाला वर्ब भी क्या लेता है प्लूरल। इन दैट केस आर्टिकल द इज ड्यू, मैंने क्या बोला कि जब नेम ऑफ सब्जेक्ट के साथ अगर व्यक्ति का नाम जोड़ दिया जाए तो हो जाता है प्लूरल, प्लस आने वाला वर्ब भी क्या लेता है प्लूरल लेता है। तो आप सब देखिए मैंने क्या लिखा है कि नेम ऑफ सब्जेक्ट यहाँ पे पर्सन नेम प्लस इनको मिलाकर हो जाता है प्लूरल, प्लस आने वाला वर्ब भी क्या लेता है प्लूरल लेता है। और इन दैट केस आर्टिकल द इज यूज्ड, तो मैं दोबारा में रिपीट कर देता हूं कि जब नेम ऑफ सब्जेक्ट के साथ अगर व्यक्ति का नाम जोड़ दिया जाए तो हो जाता है प्लूरल, प्लस आने वाला वर्ब भी क्या लेता है प्लूरल। इन दैट केस आर्टिकल द इज यूज्ड। तो आप सब नोट डाउन कर लीजिए, अगर यदि कोई समस्या हो तो कमेंट के माध्यम से आप बता सकते हैं। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।